शान, सबसे पहले आपको मुबारक हो कैप्टनसी लेने पे। आप टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं और आपकी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो डी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आपकी जो कैटेगरी है वो मेरिट के ऊपर डी रखी गई है? और दूसरा, कि आपके साथ इस स्क्वाड में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जैसे शाहीन, हसन, बाबर वगैरह, तो इस सीरीज में इन ये आ रहे हैं क्या कि उनको रेस्ट भी दिया जाएगा? हम देखें, मेरे लिए हमेशा पाकिस्तान प्रायोरिटी रही है। मैंने कभी कैटेगरी नहीं देखी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत बड़ी बात है, चाहे मैं कप्तान हूँ चाहे मैं प्लेयर हूँ। आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए नहीं मैटर करती। ये चीज़ जो सिलेक्शन कमेटी है, जो बोर्ड है, ये उसका डिसीजन है, और मैंने हमेशा सिलेक्शन डिसीजन या कॉन्ट्रेक्चुअल डिसीजन एक्सेप्ट किए हैं। तो मेरा सोल फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, वो आप कमा सकते हैं, वो होता है, वो लाइफ में आपकी आती रहेंगी वो वाली अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को रिलिश कर रहा हूँ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और बहुत मुतमइन हूँ जिस जगह पर मैं हूँ, इधर एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर। दूसरा, जहाँ तक आपने रोटेशन पॉलिसी की बात की थी, देखें ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, एक एक गेम इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रॉ हो चाहे वो आप हारें या मैच जीतें, हर किसी उसके रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो हमारी कोशिश, देखें प्लेयर्स जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, फिटनेस लेवल्स उनके बहुत अच्छे हैं, जिनके आपने नाम भी लिए हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट 11 क्या है, और जी जिधर किसी को निगल हुआ, जिधर किसी को कोई इंजरी कंसर्न हुआ, वहाँ उनको ज़रूर देखेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनको ऑब्वियसली अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं खिला सकते तो उधर ऑब्वियसली आप अपने प्लेयर को कभी भी रिस्क में नहीं डालेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए जो भी बेस्ट 11 होगी वो खेलेगी, और रोटेशन पॉलिसी उसमें कोई ऐसी हम नहीं सोच रहे। शान भाई, बात यह है कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बुलंद है, आप क्या समझते हैं कि आप टफ टाइम, हार जीत को एक तरफ रखते हैं, टफ टाइम क्या आप बॉलिंग में दे सकते हैं या बैटिंग में, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है वो आपको उनके लेवल के मुताबिक ग्रेट खली के सामने लाके खड़ा कर दिया गया, अब आपको उन्हें शिकस्त देना ना देना बात की बात है, टफ टाइम किस में दे सकते हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में? देखिए, हमारे कंट्रोल में ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस या ऑस्ट्रेलिया का खेलने का अंदाज़ वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में अपना कॉन्फिडेंस है, अपना खेलने का अंदाज़ है। जी आप ऑपोजिशन को ज़रूर देखते हैं और आप प्लान्स बनाते हैं कि आप किस तरीके से उन ऑपोजिशन को, उन कंडीशंस को टैकल करेंगे। तो इस टीम के लिए जो एक पॉजिटिव स्टेप होगा, ग्रोथ यही होगी कि उसमें एक बिलीफ हो कि हम वहाँ जाके हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। और फिर मैंने कहा, जब आप 18 का स्क्वाड बनाते हैं, आप बिलीव करते हैं कि इसमें आपके बैट्समैन भी, आपके बॉलर्स भी, और अगर आप उसमें सब उसमें आ जाएं तो आपके चाहे टॉप ऑर्डर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो चाहे आपके फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, सब कंट्रीब्यूट करेंगे और सब उनको टफ टाइम देंगे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने उसमें स्किल्स में। तो हमारा अगेन यही फोकस अपने ऊपर है, हम एज ए टीम इस टूर में कैसे खेलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, जो भी मिस्टेक्स करेंगे उनसे कैसे सीखेंगे और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के दौरान सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर किसको खिलाने पर तरजीह दी जाएगी, और आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारिस रऊफ और जो दूसरा बॉलर है जो अनफिट हुआ है उसके बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजबूत है? हारिस रऊफ है और इमशा, देखें जो लास्ट सीरीज़ हुई थी होम सीरीज़, उसमें सैफी भाई आए थे, सैफी भाई मैन ऑफ द सीरीज़ उसमें बने थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी, तो सैफी भाई जब उस 11 में आए थे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है, उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है,
हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी अपनी फॉर्म से, अपनी फिटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें वहीं जाके पता चलेंगी। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए हम वही लेंगे।